वो आ गया है जिसका था मैं इंतजार बहुत टाइम से। GTA San Andreas Definitive Edition by Netflix लॉन्च हो चुका है फाइनली, एंड इस वाले जो वीडियो के अंदर हम हैं देखने वाले हैं GTA San Andreas Android के Definitive Edition को, और उसके अलावा मैं आपको बहुत सी डिटेल्स इस गेम के बारे में बताने वाला हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट फाइनली यार अब वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में मैं आप सभी को इस गेम के डिटेल्स बताने वाला हूँ। आप इस गेम को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से खेल सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब यार गाइस जस्ट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करके और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, आप वीडियोस को मेरे देख पाएंगे। मैं आपको चलता हूँ ले करके गेम की डिटेल्स पे। सो फर्स्ट वी हैव द साइज ऑफ दिस गेम। तो साइज जो होने वाला है गेम का वो यहाँ पे हैज यूजुअल काफ़ी लोगों को लग रहा होगा 2-3 GB का गेम होगा, लेकिन गेम 6 GB का है। जी हाँ गाइस, 6 GB का ये गेम है और आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में भी आपके पास जो है नेटफ्लिक्स का अकाउंट होना चाहिए। नेटफ्लिक्स का अकाउंट का जो है आपका एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स का सबसे कम वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आप परचेस कर। अगर नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहा हूँ मैं, तो आप में से काफ़ी लोगों के पास तो नेटफ्लिक्स ऑलरेडी हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल हो, बट अगर नहीं है तो आप 149 रुपीज़ दे करके तीनों गेम को खेल सकते हो यार एक महीने के अंदर। तो यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, आप इजीली जो है 149 में गेम्स को खेल सकते हो। GTA San Andreas Definitive Edition के सारे गेम्स को जो एंजॉय कर सकते हो आप जस्ट ओनली 149 रुपीज़ में। ठीक है, ये हो गई गेम के साइज़ के बाद आप कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे। देन आता है यहाँ पे गेम का सपोर्ट। सेकेंड थिंग वी हैव द कंपैटिबिलिटी। गाइज ये गेम बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप अपने 2 GB वाले रैम के अंदर या फिर कुछ वीक से प्रोसेसर फ़ोन के अंदर आप चला लोगे इस गेम को, देन यू आर एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज ये गेम रिक्वायर करता है एटलीस्ट इन माय ओपिनियन 3 GB ऑफ रैम। अगर 4 GB ऑफ रैम का डिवाइस है देन यू आर गुड टू गो, आपका हो जाएगा 4 GB रैम के डिवाइस से। बट मोर देन रैम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर आपकी गेम के रिसोर्सेज को जो है आपके प्रोग्राम को जो है प्रोसेस करता है। ज़्यादा टेक्निकली ना जाते हुए सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो आपके जो गेम है उसको अच्छे से प्रोसेस करने में, उसको अच्छे से चलाने के लिए, क्योंकि मॉडर्न गेम है ये, तो ऑब्वियसली बात है आपके रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, आपके फ़ोन के प्रोसेसर अच्छा होने चाहिए, तब जाके आप अपनी गेम को जो है अच्छे से चला पाओगे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपनी गेम को अच्छा से चलाना चाहते हो आपके पास अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर हो, अगर आपके पास मीडियाटेक का भी अच्छा प्रोसेसर है आपका जो ये गेम है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए, बट यहाँ पे आप बिना स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के भी गेम को खेल सकते हो स्मूथली। बस मेक श्योर करना कि आपका जो प्रोसेसर है वो अच्छा हो और आप गेम को खेल सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमने दो बात, तो यहाँ पे हमने बात करी यार किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो गेम को, और उसके अलावा आप गेम को किस तरीके से खेल सकते हो। अब थर्ड स्टेप, जब आप सब चीज़ें कर चुके होंगे यार, आपका फ़ोन भी अच्छा होगा, आप गेम को डाउनलोड कर चुके होंगे, देन आपका जो गेम है एज़ यूजुअल आप खेल सकते हो, और ग्राफिक सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका गेम लैग हो रहा है या फिर स्मूथ नहीं चल रहा है तो आप अपने ग्राफिक सेटिंग्स को जो है लो कर सकते हो थोड़ा सा सेटिंग्स के अंदर जा करके। मैंने भी अपने गेम के अंदर कुछ ग्राफिक सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ किया था, तब जाके मेरा गेम जो है बहुत इजीली चल गया था। तो आप भी गेम को बहुत आराम से खेल सकते हो। एंड GTA San Andreas जो मोबाइल है उनके अंदर जो कंट्रोल्स कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता था, सेम ऑप्शन आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, सो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दीज कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो ये भी जो है आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ये गेम, दैट इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग। जी हाँ गाइस, आपको बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला जो पूरा का पूरा गेम है ये पूरा यूनिक गेम होने वाला है, और ये GTA San Andreas का कोई मोड पैक भी नहीं है, तो आप जो है ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ में आप जो है मोडिंग भी कर सकते हो। एंड मोर देन दैट चीज़ आपको इस गेम के जो है साउंड सुनाना चाहूँगा, तो पहले आप गेम का साउंड सुनो।
सी, आपने देखा कि जो गेम का साउंड है वो कितना ज़्यादा क्लियर है, इट्स एक्चुअली वेरी क्लियर। जब मैंने इसको थोड़ा बहुत कंपेयर किया GTA San Andreas मोबाइल से, तो GTA San Andreas जो मोबाइल है, जो नॉर्मल वाला वर्जन है, उसके अंदर यार उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इस वाले गेम की है साउंड के टर्म्स में। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो यार ये GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन GTA San Andreas का तो पूरा का पूरा मास्टर यहाँ पे जो है डैडी होने वाले हैं, क्योंकि यार आपको सारी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वाली, जो कि GTA San Andreas मोबाइल के अंदर नहीं मिलेगी। इवन अगर आप मोड्स को भी इंस्टॉल कर लोगे तो ऐसी साउंड क्वालिटी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे मोड्स ट्राई किए हैं GTA San Andreas के अंदर ऑडियो से रिलेटेड भी, तो उसके अंदर भी ना कहीं ऑडियो जो है वहाँ से फटती थी और ऑडियो इज़ नॉट दैट मच क्लियर जितनी इसमें मुझे लगी है। सो आई थिंक ऑडियो क्वालिटी के मामले में इट्स अमेजिंग, एंड आप जरूर जाइए डाउनलोड करिए इस वाले गेम को प्ले स्टोर से, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको लिंक्स के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ, उससे पहले आपको कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर GTA रिलेटेड कॉन्टेंट आई ऑलवेज अपलोड एंड आगे जाके भी मैं अपलोड करूँगा और कुछ और नई वीडियोज़ भी आने वाली है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बींग दिस इन दिस वीडियो एंड बाय।